जिस हिसाब से हम सबको दिखाते हैं, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग. गिव इट अप फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, विशाल पांड्या. सर इतनी हेट्रेड मेरे से भी कर लेना, मतलब जीवन तर जाए भाई. बट इतना, इतनी हेट और इतना लव एक साथ, ये कैसे मिक्सचर कैसे होता है? नहीं सही टाइम पे बंद हो गया. बट आई थिंक टू हो, थ्री हो या फोर हो, एक मेरा स्टेटमेंट हमेशा सही हो ही रहा है कि जब तक प्यार ना हुआ हेट नहीं है, और जब तक जहाँ हेट ना हुआ लव नहीं होता. सो आई थिंक एंड जब हेट स्टोरी फोर की बात आती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेट लेवल एक ऊपर लेके जाए. एंड आई थिंक वी हैव डन दैट दिस टाइम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मेनी पीपल एंड एक्चुअली एवरी वन टू सी कि जिस तरह से ये स्टोरी निकल के आई है, जिस तरह से गाने हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस है, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह डायरेक्शन है, दैट्स सुपर. सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वही बात है. यू नो, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन ओवर हियर. स्टोरी लाइन और ग्लैमर वो एक एक बिल्कुल हिसाब से, एज दे से ना, परफेक्ट रेशियो में होता है. सो हाउ हाउ डिफिकल्ट इज दैट फॉर यू? सी एक्चुअली आई वॉच ईच एंड एवरी फिल्म इन द थिएटर, नॉट टू सी के कितना क्या अच्छा है, वो देखने के लिए कि कौन कितना बुरा काम कर रहा है और पब्लिक की अप्रिशिएट नहीं कर रही है. तो वो गलती मैं ना करूँ, तो ऑफकोर्स आई थिंक कहा ना कर मैं भी तो गलती कर ही रहा हूँ. जब ऑडियंस देखी वो लोग बोलेंगे, कुछ क्रिटिक्स बोलेंगे, बट आई थिंक जहाँ तक आई ट्राई टू लर्न एंड जितना मैं सीखा हूँ वो मैं इसमें दिखाता हूँ. फिर बट दिस इज वन फ्रेंचाइज जिसको अब से तब से लेके अब तक यू नो पीपल हैव लव्ड, और एक के बाद एक, एक के बाद एक सक्सेसफुल यू नो रन होता है इसका बॉक्स ऑफिस पे. और ये गाना जो कि कितना सक्सेसफुल था उसको एक अलग अंदाज में दिखाया. तो जोरदार तालियां, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, आशीष बराल एंड फॉर एक स्टोरी फॉर. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी तारीफ के लिए यूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन वी हैव टू यू नो इनवाइट हर ऑन स्टेज. एंड आई वांट टू से समथिंग, यू नो ये मैं अपनी तरफ से लेके आया था. शी हैज मैनेज्ड टू विन अ स्पॉट फॉर हरसेल्फ इन द प्रेस्टीजियस टीसी कैनवा 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ 2017, बीइंग वोटेड एज द यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द यूनिवर्स for second time in a row. मतलब क्या बैठ क्या करें, मतलब she is so gorgeous and पहली बार यू नो ऐसा हील कोरियोग्राफी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रही है, और वो इतनी इतनी कमाल के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे लग नहीं रहा है कि कितना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा. बट शी इज जस्ट मेड इट सो इजी यार, लुक सो इजी. गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली यमा फसीनो मिस जीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2015, उर्वशी रौतेला. वेलकम वेलकम वेलकम. सबसे पहले आप ये बता दो, यू नो फिटनेस की बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें, एक्टिंग की बात करें, बहुत मेहनत करते हो आप, इतने सारे जो टाइटल्स हैं इनका बोझ कैसे इन कंधों पे ऐसे संभाल लेते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया फॉर कमिंग हियर एंड फॉर द टाइटल. यस ऑफ कोर्स, आई थिंक इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड, और बस मीडिया टाइटल्स आई एम जस्ट ऑलवेज थैंकफुल एंड to God and to my parents, जिनकी genetics मुझ पे आए और मैं ऐसी बनी हूँ. More than that, I feel it's also because of my international fans, those who all voted for me, because I definitely do know that TC Candler is the most prestigious website. They have millions of subscribers since so many years. But it also had to do with my social work, the kind of work I've done for my foundation, as I have my own foundation, Urvashi Rautela Foundation, back in my hometown. So we have been helping all the underprivileged kids and stuff like that. So yeah. So I am from Uttarakhand, so I know a lot about that. Oh. Yes, I'm from Nainital. So yeah, abhi connection bhi nikal liya maine yahan pe. Okay, talk. Ab aasan hoga sawal puchna. Okay, talking about this gorgeous song, itni gorgeousness, kaise? How did this all happen? I think it's because of my director, first of all. Thank you so much. He's the best person to... He made everything so easier. And Neha, for giving me such a beautiful voice. I just love all your music, and the kind of voice you have is completely amazing. And then when we got to know about the song, Himesh sir as well, I don't know where he is, but... जो भी गाना आया था मेरे पास, तो जैसे कि मैं मोर देन 10 डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ, तो मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ डिफरेंट हम करें इस सॉन्ग में. एज वी ऑल नो यानिस मार्शल, जो बाहर ये कोरियोग्राफी करते हैं, पर्टिकुलर हील्स कोरियोग्राफी जैसे बोलते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वो करें. तो इस तरीके से हम वो हील्स कोरियोग्राफी को पूरा कॉर्पोरेट करके हमने इस सॉन्ग में डाला है, और आई होप आपको पसंद आए कोरियोग्राफी.
पूरे हमने इतने लॉन्ग लॉन्ग हील्स 5 inches हील्स में कोरियोग्राफी की. इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स लुकिंग वेरी एफर्टलेस. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. या That's like amazing. Zordar taliya, ladies and gentlemen, one more time. And now to invite jo naam hai inke kalam se jo shabd nikalte hain, I won't even try, otherwise he'll kill me. Give it up for this gentleman, Manoj Muntashir, ladies and gentlemen. He's just superb with his kalam. And saath mein, isse pehle main aapse kuch poochhu, the very gorgeous, matlab ye singer nahi hoti, actor hoti, actor nahi hoti, pata nahi kya hoti hai, dil jeet leti hai. The one and only Neha Kakkar, ladies and gentlemen. Vishal bhai, I wanted to do that, but yeah, I'm actually... मैं भी करने आ रहा हूँ यहाँ के लिए. Sorry. और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसने बोला नहीं होगा शायद, पर मेल या मैं हीरो की बात करूँ कि उनको चाहिए कोई ये गाना गाए वो गाना गाए, अगर कभी मुझे चांस मिला एक्टिंग करने के लिए, मैं तो उनको नया मेल गाना गाना. रिक्रिएशन क्यों, मतलब व्हाई टू रिक्रिएट अ सॉन्ग दैट इज ऑलरेडी अ चार्टबस्टर. इतना बड़ा मतलब यार, नो ऑफेंस, बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है. ये सवाल हजारों बार पूछा जाता रहा है मुझसे. ये मार दिया. रिक्रिएशन जरूरी क्यों है? अच्छा मैं आज आपसे पूछता हूँ, अपने बड़ों को लेजेंड्स को याद करना जरूरी क्यों है? मत कीजिए यार. क्यों हम बार बार लौट जाते हैं मदन मोहन की तरफ, खयाम की तरफ, साहिब की तरफ, शंकर जयकिशन की तरफ, क्यों हम लौटते हैं बार बार? हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं. हमें ये सिखाया गया है कि अपने किए हुए काम पे गुरूर बाद में करो, पहले जो आपसे पहले हो चुका है उस पर फख्र करो, उसकी इज्जत करो. सुपर, टू मच. तो इसलिए हम बार बार उनकी तरफ लौटते हैं. रहा सवाल आशिक बनाया आपने का, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आशिक बनाया आपने पर तनिष्क बागची और मनोज मुंतशिर से कहीं पहले और कहीं ज्यादा हिमेश रेशमिया, अभी रंजन का हक है और हमेशा रहे. ओके सर, वी लव्ड इट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा है सर. मैं नाराज हूं. यार मैं दिस वंस फॉर यू, यू नो व्हेन यू वर आस्क्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, एज ही सेड ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, तो क्या था मतलब उर्वशी फीचर करने वाली है, उनका डायरेक्शन है, तो सर की लिरिक्स है, सो हाउ इज इट फॉर यू? फॉर मी इट इज एक्चुअली, सबसे पहले तो ये बात मैं कहूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग सॉन्ग्स अभी तक मिलते हुए आए हैं. एंड द मोमेंट आई सॉ द वीडियो, मुझे विशाल ने दिखाया वीडियो आशिक बनाया का, और शायद मैं इतनी पागल शायद ही किसी वीडियो को देखकर हुई होंगी जो मैंने देखा. आई थिंक उर्वशी हैज डन ट्रिमेंडस जॉब. मतलब वो क्या लगी है, क्या डांस किया है, क्या डांस किया, आई थिंक एफर्टलेसली इतना इतना कमाल डांस किया. आई थिंक लोग बार बार बैक टू बैक देखने वाले हैं टी सीरीज के चैनल पर. एंड ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि विशाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, उनमें से एक विशाल है. तो इनकी मूवी के लिए था तो और खुशी की बात थी. फिर हमारे बाजू में जो खड़े हैं इतना कमाल लिखते हैं मनोज मुंतशिर जी, इन्होंने मेरे और भी गाने काफ़ी लिखे हैं. ये गाना बहुत खूबसूरत लिखा है, अगर आप सुनेंगे लिरिक्स तो बेहद खूबसूरत है. एंड तनिष्क बागची, उन्होंने रिक्रिएट किया है. आप ट्रैक सुनेंगे तो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. एंड हिमेश जी, हाउ कैन वी फॉरगेट हिमेश जी एंड समीर जी, उनका ओरिजिनल ये सॉन्ग है. बात करें रिक्रिएशन की, एक्चुअली मैं आपको आंसर देना चाहूंगी रिक्रिएशन का, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक मोस्टली सुपरहिट रिक्रिएटेड सॉन्ग्स मैं प्राउडली कहती हूँ मैंने गाए हैं, है ना. तो मुझे ये लगता है बिकॉज जनता इतना ज्यादा पसंद करती है इन गानों को, म्यूजिक तभी ऐसा बन रहा है, इस तरह का म्यूजिक बन रहा है, रिक्रिएट हो रहा है क्योंकि वो लोग इंजॉय करते हैं. इनिशियली मैं हमें हर रिक्रिएटेड सॉन्ग में, चाहे वो मेरा काला चश्मा हो, चाहे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, या वो चीज बड़ी है मस्त, और ये जितने भी गाने जब भी मैंने गाए इनिशियली कॉमेंट्स आए अरे खराब कर दिया, यू नो वर्स रिक्रिएशन. उसके बाद वही लोग यू नो हजारों में लाखों में क्लब्स में यू नो इन्हीं गानों पर मेरे गानों पर डांस कर रहे थे और पागल हो रहे थे क्या गाया है और क्या गाना है. तो आई थिंक क्योंकि जनता लव्स रिक्रिएटेड सॉन्ग्स, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहे हैं इसलिए बन रहे हैं. अगर उनको पसंद नहीं आएंगे, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बनेंगे ही नहीं.
ओडिशा राइट नाउ के कैसा गाना है क्या है करके, वो सेम चीज़ मेरी फिल्म के लिए होती है और सबसे बड़ी ओपनिंग मुझे वही स्टेटमेंट मिलती है फिर तो बोलते क्या है वो सबसे ज्यादा लोग वही देखते हैं कुछ तो लोग कहेंगे। एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि रिक्रिएशंस टी सीरीज ने बहुत कुछ नया शुरू किया है इस देश में, लेकिन रिक्रिएशंस टी सीरीज के शुरू किए हुए नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से आप निकाल दें, रिक्रिएशंस होते हैं लेजेंड्स के जमाने से। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लिरिकल रिक्रिएशन है फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का। दिल ढूंढता है फिर नहीं फुर्सत के रात, दिल लिरिकल रिक्रिएशन है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ये सारे गाने रिक्रिएटेड हैं। टी सीरीज नजर में इसलिए आता है क्योंकि हम सबसे अच्छा रिक्रिएशन हमारी तरफ उंगली उठाने के बजाय पूरा का पूरा हाथ उठाए, हमें शाबाशी देके अच्छा काम करने। इतना अच्छा बोलते ना हर बार, फिर इसीलिए मुझे काफी टाइम प्रॉमिस किया कि लाइव कॉन्सर्ट दिखाऊंगी, लाइव कॉन्सर्ट दिखाऊंगी, बुलाऊंगी, तो बुलाया नहीं है, तो मेरे तो यही लाइव कॉन्सर्ट था, तो मैं गाता ना देखता फ्रेंचाइज में क्या वैल्यू है, क्या कंटिन्यूटी है तीनों में? एक्टर नहीं होती है एक्टर्स में तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मैं भी तो पूछू ना। तो तीन चीज ये होती है, एक तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो हम इसलिए खड़े हैं, आपने नाम नहीं दिया, एक डायरेक्टर और एक आप, कि फ्रॉम हे स्टोरी 2, 3 and 4। यस, दैट्स द रीजन मैं अभी पूछा कि लाइक फ्रॉम आई थिंक मेरी ऑल द फिल्म्स में आप यहां पे हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एक्चुअली, एंड थैंक यू टी सीरीज, यू नो मौका मुझे मिलता है यहां पे आने का, मेरे को व्हेनेवर आई गेट टू नो इट्स योर फिल्म मैं खुद ही बड़ा एक्साइटेड सा हो जाता हूं कि ठीक है, और मैं कहता भगवान जी सबसे पहले ये चला देना, आई स्वेयर, मैं कहता भगवान जी मैं ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ प्लीज चला देना इसको सबसे पहले। बाकी बात की बात, जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग क्रू लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड यहाँ पे अब वी टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग यू कैन शूट। सुनने में भी आया कि आप किरदार में इतना घुसेंगे डिप्रेशन में चली गई, हाउ ट्रू इट इज? चाचा गाना अपने सवाल ये जो किरदार है एक सुपर मॉडल का है, शी इज अ वेरी स्ट्रांग confident, dominating, but at the same time she is very vulnerable as well, very real. But it was a very complex character, exhausting for me, but not just us had tak nahi, but it was yeah the most difficult characters I've ever played, because super model ka character tha, fir uske baad deep glam bhi dikhaya gaya hai Tasha ko is puri film mein, so there are a lot of variations, but as a whole दोनों फिल्में जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फैशन की मैं बात करता हूँ ना, जब हम सुपर मॉडल की बात करते हैं कंगना का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। यू थिंक जल्दी कंपैरिजन में व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर मॉडल, यू नो, क्योंकि वो उस फिल्म में भी एक फेस था, उसके बाद यू नो डाउनफॉल होता है कंगना का, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एज एन मॉडल, यू नो सुपर मॉडल। आई थिंक दे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर यस देयर कैन बी कंपैरिजन ऑफ Priyanka Chopra or Kangana because they were super models. I'm also playing a super model in it, but the storyline is completely different. It's hate story. This is a different, and that film was about a modeling industry. एक modeling industry के बारे में जो सच्चाई है वो दिखाया गया था fashion में. So yeah, hate story for fashion का कोई आसपास तक कुछ एक जैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन अगर कंपैरिजन होता है कंगना की आपने बात करी, आपने प्रियंका की बात करी, डू यू फाइंड इट ऑन अ गुड नोट, यू नो देयर विल बी अ कंपैरिजन विद कंगना एंड प्रियंका चोपड़ा? इट्स ओके, आई एम ओपन फॉर ऑल द कंपैरिजंस, इट डजंट मैटर टू मी। विशाल, ये पूछना चाहूंगा, गोलमाल फ्रेंचाइजी के बाद ये हिट स्टोरी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सबसे ज्यादा इंडिया में रिलीज हुई है। दिस इज द फोर्थ पार्ट। आपको क्या लगता है क्या ऐसा कनेक्शन है जो ऑडियंस को खींची लाती है आपकी स्टोरी की तरफ? कनेक्शन तो यही है कि लाइक मैं वही बनाता हूँ जो ऑडियंस को देखना है। आई डोंट वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, कि लाइक मुझे काफ़ी कुछ बनाना है, तो शायद उस दिन बनाऊंगा तो अपने घर पे से डीवीडी लगा के देख लूँगा, बिकॉज
have seen the result in two, Hey Story 2, 3 में मैं देखा है, तो I know what they like now. So, वही बनाओ जो audience को पसंद है, and I think I'm trying that, कि जो उनको पसंद है, with all masala, with music, with, I mean, good locations, thriller, तो एक सब कुछ उसमें I try to give it, and that's the reason they love it. Hate Story is the only franchise जो अपने काफी कम time में 4 तक पहुंच चुकी है. If you're talking about it, it's like the fastest moving franchise. Yeah. एक वजह और भी है कि हेट जो है बहुत इमोशन है. दुनिया में हर जगह हर किताब में हर स्कूल में प्यार सिखाया जाता है. नफरत कहीं सिखाई नहीं जाती, ये अंदर से आती है. तो ये भी हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर इस इमोशन से कनेक्ट करता है. इसलिए हेट स्टोरी 4, 5, 6, 7 बनती जाएगी. To be very honest, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया. हिमेश जी और मैंने obviously एक साथ में longest running record breaking reality show किया है सारेगामापा लिटिल चैंप्स, जो कि बहुत अच्छा चला. और हम लोग जब तक हम लोग साथ में थे ये शो कर रहे थे, तब तक इस गाने का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था. बट आई रिसेंटली मेट हिम द वॉइस के शूट पर, और वो भी मुझसे इस बारे में बात करना भूल गए, और मैं भी उनसे इस बारे में बात करना भूल गई. सो हमारी इस बारे में कंप्लीटली बात नहीं हुई है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेल हिम कि आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड. जैसे कि मैं बहुत खुश थी तीसरी से एक और गाना मेरा आया था अभी रिसेंटली, तू चीज़ बड़ी है मस्त चीज़ बड़ी, बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने वो. मैंने एक लेजेंडरी सिंगर मेरे बहुत फेवरेट हैं उदित नारायण जी, उनके साथ गाया था. ये अब मैंने गाया है हिमेश जी के साथ, जो कि ये गाना एक मैं तो कहूँगी एक लेजेंडरी गाना हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था. वो वापस मैं गाने वाली आई मीन गाया है मैंने, और आज अभी रिलीज हो चुका है, एंड आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, नॉट ओनली दी ऑडियो बट ऑल्सो द वीडियो. तो मुझे एक और चीज याद आई, आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड, मैं सिक्स कक्षा में सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तब आशिक बनाया आपने आया था, तो तभी से हमारे पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सबका बहुत फेवरेट गीत सॉन्ग. एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता था कि मैं मुझे नहीं पता था. हाँ, सो इट्स लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज connected to this Aashiq Banaya's track. Okay, Urvashi, Kabil mein Sara Zamana, uske baad mein Aashiq Banaya, aap bhi ek, you know, aap bhi ek trend set kar rahi hai, jab main recreation ki baat karta hu. This is the second song which is done by you, and that is a recreation, you know, Sara Zamana, now this is Aashiq Banaya. What's your take on that? I mean, it's always great to be part of Recreator. I was, us song ke main isliye bahut zyada excited thi, because Amitabh Bachchan ne kiya tha wo song, aur वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा निकल के आया. सो दैट्स आई वाज रियली एक्साइटेड. और आशिक बनाया आई होप आप सभी को पसंद आए. हमने इसमें मैंने कुछ अलग ट्राई किया है, इस कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा कोरियोग्राफी में मैं खुशी हुई थी कि आई वांटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोरियोग्राफी. तो आई जस्ट होप सभी को पसंद आए, जो भी मैं करूँ सबको पसंद आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. And ladies and gentlemen, we have the man behind this recreation, Aashiq Banaya. Tanish Kumar ji. First of all, thank you, Bhushan sir, for giving me this opportunity. And actually, I'm tagged as a recreator, but I would like to say that yeah, it's more of an original song than a recreation. See, the soul cannot be taken away from the song, so I've just recreated the entire structure, keeping the soul alive. And thank you again, Vishal, for supporting my ideas and tolerating me. Thank you so much. Thank you, Tanish. We will come back to you guys, मतलब सवालों के साथ. लेकिन नेहा अक्सर है ना ऐसा शोज में, टीवी शोज में, रियलिटी शोज में, आपने ये अच्छा गाया, आपका सुर ऐसा था, ये था, ये नहीं गया. सो इफ यू हैड टू यू नो जज हर एंड कि भाई कैसा गाया नेहा ने ये गाना, और उनकी परफॉर्मेंस, उर्वशी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो व्हाट डू यू हैव टू से? आई हैवंट सीन द सॉन्ग, सो आई कांट टेल. यू हैवंट सीन द सॉन्ग? आई हैव सीन जस्ट थोड़ा थोड़ा देख के. ऑलरेडी देखा होगा, देखा होगा. ओके, सो चलो सिंगिंग की बात कर लेते हैं, फिर चेक किया होगा. सिंगिंग की बात कर लेते हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू से नेहा के लिए? For Neha is like, you know, an instrument that you cannot doubt. Oh, oh wow! Good one. It's like, you know, when the song was made, it was already playing in my head. Right. So I didn't have to talk about her. Bhushan sir said himself, it's Neha. Right. Even Vishal said it's Neha. So you know, that's the thing of the magic of Neha. Right. Urvashi ki performance ki baat nahi kar rahe. Main unki beauty ki baat kar lete. Matlab sabse pehle ki she's so gorgeous. So what do you have to say on that? Sharmana nahi. When I was making the song, I'll tell you. I went through her profile. I saw pics. I got inspired, and this is what happened.
Liam Bana hai aap ke. That's a master stroke. Before I forget, I really want to thank Bhushan ji. उन्होंने मेरे करियर के वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिए हैं. मैं कभी ये मौका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बिकॉज आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन. मैं इतना, आप लोगों ने भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखा होगा, मैं नहीं आती हूँ, मुझे मैं थोड़ी बड़ी यू नो नहीं कंफर्टेबल फील करती. हाँ, सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका. आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हो. एंड यस, आई वांट टू शेयर दिस विद यू गाइस. आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन, द मोस्ट फॉलोड इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम. यस यस, सो इट इज अमेजिंग. थैंक यू सो मच. आई थिंक आप लोग भी उसमें से कुछ लोग आप भी मुझे फॉलो करे हुए. थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए. एंड यस, लेट्स कम बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग. आई रियली वांट टू थैंक भूषण जी, जिन्होंने मुझे वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माय करियर दिए हैं. थैंक यू सो मच भूषण सर. यस, आई वाज एक्सट्रीमली थैंकफुल टू दिव्या मैम एंड भूषण सर, बिकॉज माय फर्स्ट फिल्म द टी सीरीज वाज सनम रे. मेरी पहली फिल्म थी वो. और सो थैंक यू सो मच टी सीरीज. ऑल्सो थैंक यू शिव फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, विनोद एंड द एंटायर टीम ऑफ टी सीरीज. Now, ladies and gentlemen, माफ कीजिएगा, मैंने बीच में रुका था यहाँ पे, लेकिन अब एक और एंट्री होने वाली है, धमाकेदार एंट्री. एंड नाउ वी स्पेशली लाइक टू थैंक दिस जेंटलमैन हु हैज एन इनक्रेडिबल जर्नी विद टी सीरीज एंड ऑफ कोर्स मिस्टर भूषण कुमार. इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में साथ साथ की हैं. एंड ही इज द ओरिजिनल कंपोजर, द क्रिएटर, द सिंगर ऑफ आशिक बनाया आपने. Version, ladies and gentlemen, the one and only someone who's come here to support the entire team of this movie. Give it up for the man, the jinke incredible track record ka matlab itko yaar hisab nahi hai. 700 se zyada super duper hit songs, fans across the globe. Give it up for the man, Himesh Reshammiya. Super hit machine. Yes, the super hit machine. And there he walks in like the boss. Hi. Welcome, sir. Hello, everybody. Whoa, that's Himesh Reshammiya for you. So first of all, you know, गाना ये एक जिम्मेदारी जैसी थी जो यहाँ पे सबने मुझे बता दिया. एक iconic number है, ये number नहीं है, chartbuster है तब से लेके अब तक. अब इन लोग के कंधे पे आया, तो how was it? How was it? इनको तनिष ने बहुत ही जबरदस्त बनाया. And नेहा बोलने में हम लोगों ने एक साल अभी भी जो reality show तीन seasons एक्सटेंड होता गया, वो सीज़न किया है, तो इतनी अच्छी, इतनी वर्सटाइल और इतनी एक परफेक्ट सिंगर. तो वो कोई भी गाना गाएगी, क्योंकि आशिक बनाया को रिक्रिएट करके एक अनकन्वेंशनल गाना, तो एक अनकन्वेंशनल गाने को रिक्रिएट करना और अच्छी तरह निभाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. नेहा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, मनोज जी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तनिष ने आउटस्टैंडिंग काम किया है. And I'm sure जिन्होंने शूट किया है, पिक्चर बनाई है, वो तो अच्छा ही है. क्या बात है यार, तनिष को मैं देख सकता हूँ जब से आपके इंटरव्यू सर एकदम ऐसे छुप से गए. तनिष, you want to ask something? You want to know his reaction specially कुछ? You want to say something to him? Yeah, I want to say. Yeah. Sir, I'm a great fan of yours. I always have been like, when it's melody and this kind of melody only you can only do it, sir. And working on that was a like, I'll tell you honestly, it was a pleasure for me. थैंक यू. एंड अभी वैसे भी लोग रिक्रिएशन के पीछे यू नो एवरीवन सब बोलते हैं कि क्यों नहीं, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए. मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, और हर गाने को एक नया ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड डू इट करेक्टली एंड आई थिंक दे हैव डन इट. Superb, yeah. Mr. Pandya, awesome. I think it's like a biggest compliment. उन्होंने कहा बिल्कुल सही सही तरीके से नहीं होता, तो यूजुअली लोग कंपैरिजंस तो होंगी और कभी हम मिस्टेक्स करते हैं. आई थिंक उस मिस्टेक ना करने के डर से आदमी कोशिश ही ना करे. बिल्कुल, क्या बात है. यहाँ पे आई नो आपके बड़े सारे सवाल जवाब होंगे मेरे, मैं क्वेश्चंस को रोक लेता हूँ. सो या, ओवर टू यू गाइस. ओके उर्वशी, देयर आर आल्सो न्यूज़, यू हैव बीन आस्क्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मिलान फैशन वीक एज अ शो स्टॉपर. व्हाई आर यू रिफ्यूजिंग? Because H2O 4 is a priority right now. This is my first female centric film, और हमारे बहुत ही ज़्यादा rigorous promotions अभी start होने वाले हैं. So yes, completely concentrating on H2O 4. ओके, जैसे आपने कहा वुमन सेंट्रिक पहली आपकी यू नो फिल्म है, आपको लगता है कि आप ही हीरो हैं फिल्म का? वो डायरेक्टर बताएंगे.
concept is it's about revenge and revenge came from a female. Yeah, Tasha is the real hero of Hate Story 4. Vishal, do you want to say something? नहीं एक्चुअली वैसा नहीं है. आपने अगर हेट स्टोरी वन हेट स्टोरी सब सीरीज फॉलो की होगी तो हर सीरीज में उससे विमेन नहीं है. जैसे थ्री में लड़के थे और टू में लड़की थी और टू में आप पहचान अभी कौन है करके वो तो नहीं बोल सकता. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट द ओनली थिंग इज लाइक स्क्रिप्ट कौन सी अच्छी लगती है उसमें भी डिसाइड किया कौन हीरो है कौन हीरोइन है. ओके हिमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे उस गाने को लेकर अभी रिएक्शन आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला गया कि ये इस तरह से गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी लोगों को जिन चीजों से प्रॉब्लम होता है मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम होता है क्योंकि बिना वजह कोई भी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करना कि क्योंकि 10 साल बाद या 12 साल बाद चेंज हुआ है तो क्यों कर रहे हैं. एक प्रॉब्लम एरिया होना ही नहीं चाहिए. मुझे लग रहा है 2 साल के पहले का भी गाना अगर रिक्रिएट करना है कोई फ्रेज लेना है तो ये ऑफिशियल कॉपीराइट लेकर ही कर रहे हैं और ये तो टी सीरीज का ही गाना है तो क्यों ना करें. सो बट एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अच्छी तरह करनी चाहिए. अगर आप उसको उसकी सेंसिबिलिटीज राइट कर सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट साउंडिंग आउट ऑफ प्लेस, इट्स नॉट संग वेल, इट्स नॉट प्रोग्राम वेल, तो समझ में आता है कि ये क्या गाना था क्या कर दिया. ऐसा मुझे नहीं लगा क्योंकि वो गाना एक आइकॉनिक हिट है. लेकिन ये सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया. तनिष्क बहुत सारे गाने रिक्रिएट कर रहे हैं और सारे हिट रहे हैं. मनोज जी ने इतने गाने लिखे हैं सारे हिट रहे हैं और नेहा ने इतने गाने लिखे हैं सारे सुपर हिट रहे हैं. तो पब्लिक जब बोल रही है कि बहुत अच्छा है तो आई थिंक रिक्रिएशन पे जिन लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए. तो मुझे आशिक बनाया कि रिक्रिएशन ओके. आपने कहा लिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, देखने की तो बात ही नहीं करी आपने. उर्वशी के बारे में क्या कहना चाहिए? उर्वशी के बारे में सब नहीं देखा अभी. मैं अभी तक मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा नहीं बट मैं जरूर देखूंगा और अच्छा ही होगा. बिकॉज अगर वो यहाँ तक आई है कि उनको हेट स्टोरी में वो एक स्क्रिप्ट कर रही है जो कम्प्लीटली यू नो इट्स ऑन हर शोल्डर्स, तो कुछ ना कुछ उनमें होगा जो मेकर्स ने देखा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने स्क्रिप्ट में देखा. तो बाकी तो रिलीज के दिन पता चलेगा. और गाना आइकॉनिक हिट है ये वाला वर्जन, मुझे लगता है कि कल से हर जगह. एक बात मैं बताऊं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आशिक बनाया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंडियन वीडियोस, मुझे लगता है. सोच रही थी कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आपका आशिक बनाया था 6th स्टैंडर्ड में तो उसके साथ बहुत सारे और भी आपके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आए थे दिल की सुर्ख दीवारों पे और कई सारे सॉन्ग्स थे. तो वी ऑल यूज्ड टू हैव दैट स्लैम बुक जिसमें लिखते थे फेवरेट सिंगर और वी यूज्ड टू बी सो मेनी अदर सॉन्ग्स. सो जब भी कोई मुझसे पूछता था मुझे फेवरेट सिंगर, सो मैं बहुत शर्मा के बोलती थी हिमेश रेशम. तो आई नेवर न्यू कि मैं जब मुझे ये बात कह रही हैं तो एक्चुअली मेरा नेहा को पता है क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं. मुझे मैं अपने पुराने जितने भी गाने हैं क्योंकि मैं नए और 700 सॉन्ग्स लेकर बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ तो ये मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि मैं अपने पुराने गानों को याद ही नहीं करूँगा. एंड दैट्स द वे बिकॉज अगर मैं वो याद करूँगा कि जब आप 6th स्टैंडर्ड में थी और जब मैं कुछ तब कुछ कर रहा था तो मेरा आगे का ग्रोथ हो जाता है. बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो स्लैम बुक मैं जरूर देखना चाहूंगा और एक नहीं कई सारी स्लैम बुक्स हैं और मैं वो तब देखूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा. अभी मेरे लिए जर्नी जर्नी जस्ट शुरू हुई जिनकी बहुत सारी मेहनत इसके पीछे गई है. एंड नाउ जैसा मैंने कहा था मैं वो इंतजार करूंगा जो सर ने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया कि आप यू एंड मी हैव टुगेदर सर इफ यू कैन हम सम 9 सिंगर वाह सुपर अभी
जब मुझे लग रहा है कि अगर उर्वशी थी तो उर्वशी तो जरूर गाना चाहिए, क्योंकि आजकल जरूर एंड एक्टर्स ऑलरेडी यू नो ऑलवेज गाते हैं आजकल, और सक्सेसफुली गा रहे हैं। सलमान भाई ने प्रूव कर दिया है कि भाई एक्टर्स गाते हैं तो सक्सेसफुली गा सकते हैं, गाने ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं, एंड मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर्स गाए, क्योंकि जब कंपोजर्स एक्टर्स बन सकते हैं और आर्ट डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स बन सकते हैं और यू नो सिंगर्स रियलिटी शोज पे आ जाते हैं शोज, तो आज वो ज़माना है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है सही तरीके से। एंड उर्वशी मुझे लग रहा है कि आशिक बनाया अच्छा ही गाएगी, नेक्स्ट टाइम एज स्टोरी 5 अगर वो करेंगे तो उसके सिंगर भी हो सकता है कि उर्वशी हो सकता है। टू मच, दैट्स अ नथिंग मोमेंट फॉर निहा। कंपोजर में छुपी हुई कुछ क्वालिटीज होती है जो चार नोट्स में दिख जाती है, तनिष्क में वो बात है, उनके कुछ गाने बहुत हिट हुए, रिक्रिएट भी वो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी ड्यू क्रेडिट कहीं पे भी, क्योंकि ओरिजिनल कंपोजर ने लिया है और वो गाना अगर रिक्रिएट कर रहे हैं तो उनकी ड्यू क्रेडिट उनसे नहीं लेनी चाहिए। ये बात अगर मीडिया थोड़ी सी याद रखे या ऑडियंस याद रखे, बिकॉज यही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई भी आदमी जिसने इतना काम किया हो कंट्रीब्यूट किया है उसका ड्यू क्रेडिट मत लीजिएगा। तो तनिष्क ने बहुत अच्छा मनोज जी, मनोज जी के लिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अगेन जो गाने लिख रहे हैं लेजेंडरी गाने लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे लिए भी लिख रहे हैं आगे भी लिख रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा यू नो ही डजंट नीड ही इज ऑलरेडी गिवन सो मेनी ब्लॉकबस्टर हिट्स, तो उनकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। और आज यहाँ भूषण जी नहीं है, उनसे सुबह मेरी बात हुई एंड हम लोग अपने पुराने एसोसिएशन के बारे में याद कर रहे थे क्योंकि 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई, पता नहीं कितने 700 गाने, इतने गाने करते 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 एक लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। विनोद जी, शिव, एवरीवन ऑफ माय फैमिली, चीज दी गई। थैंक यू ऑन दैट वंडरफुल नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो। या प्लीज सर, माइक टेक द माइक, सामने अरे भाई, अरे बैठ जाओ, अरे r.com स्टील फोटो के बाद वीडियो अरे ले स्टील स्टील इनके भाई क्या बोलते अरे रिपब्लिक कैसे लूं फोटो मुझे ये पता बीच में उर्वशी अभी लोग यहाँ पर वेट वेट उर्वशी जी लेफ्ट में उर्वशी यहाँ होल्ड करना उर्वशी हेलो वो तो भी स्टेट यहाँ हाँ
उर्वशी सोलो 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 क्या सोलो नहीं नहीं यार थोड़ा सा आ जाइए बहुत लंबा हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा आ जाइए आ जाइए बस मैम योर लेफ्ट योर डेड लेफ्ट मैम ओके डैड हो गया राइट राइट में वो तो राइट में सेंटर डाउन 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 सेंटर डाउन 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 अरे यार या सेंटर यो यो राइट साइड सेंटर डाउन डाउन राइट में होल्ड करना या नेहा इधर नेहा जी नेहा लुक या नेहा सेंटर एक बार मैम यो मैम दिस साइड या राइट में मैम यो मैम लुक या अरे राइट दी नेहा जी सेंटर डाउन डाउन सेंटर सेंटर सर सेंटर में यहां पे हां सर बाजू में थोड़ा राइट लेफ्ट में आपके सर सर